अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एफडीजीओ मार्केट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो सीएचईटी की जॉब्स अनाउंस हैं उसके बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल इसमें अप्लाई कर सकती हैं। हैवी इंडस्ट्री टैक्सिला की तरफ से ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं और काफ़ी मकदार में, जैसे कि आप जानते हैं। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल एफडीजीओ मार्केट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ये हैवी इंडस्ट्री टैक्सिला में नौकरियां आई हैं और पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वजारत दफा पैदावार जून से ये इसके अंडर होती हैं। और जैसे कि इसका एडवर्टाइजमेंट है आपसे ये शेयर कर देते हैं। ये इनका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वजारत दफा पैदावार हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला बोर्ड टैक्सिला के अंडर में है। और जैसे कि ये इंस्ट्रक्शन असामी का नाम, तनख्वाह का स्केल, ये सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पर इस एड में दी हुई है। जैसे कि सबसे पहले पोस्ट है सीनियर स्पेशलिस्ट एंथीरिया जून सा ये है और इसका पे स्केल 19 है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और उसके बाद तनख्वाह इसका ये बताई हुई है और अलाउंसेंस, ये सारी डिटेल्स ये इन्होंने बताया हुआ है। और एफसीपीएस पास आपने एफसीपीएस जून से पास करने के बाद किसी मुस्लिम हॉस्पिटल में 2 साल तजर्बा किया और पीएमडीसी रजिस्टर्ड हो, आपने ये अपनी डिग्री की हो और आपका 2 साल इसमें तजर्बा होना चाहिए इस रेलिवेंट फील्ड में। और लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर, यहाँ आप लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर एएमसी कोर से रिटायर्ड, अगर जून से ये रिटायर्ड पर्सन है और ये भी अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एलिमेंट है 35 से लेकर 55 साल तक। ये इस पोस्ट के लिए सीनियर स्पेशलिस्ट जून सी है, इस पोस्ट के लिए ये वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर, इसके लिए आपके ये पंजाब की हैं, पंजाब की टोटल दो सीट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे दो हैं और ये इनकी पे पैकेज बताया गया है। और इसका 17 पे स्केल है और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी आपने किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से कम 3.5 सीजीपी से आपके सारे डिग्री हासिल हो। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है जो उनसे उससे जिससे कोई भी अदारा हो आपने की हो, या आपने ऑफिसर इंजीनियर है ये वाले जो उनसे रिटायर डी एम सी ऑफिसर इंजीनियर मेजर या कैप्टन इंजीनियर बतौर कमीशन ऑफिसर कम से कम 5 साल सर्विस की हो, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये इन्होंने डिटेल दी हुई है, वो आप अच्छी तरह से देख लें। और ये सिविलियन के लिए उम्र की लिमिट है 20 से 35 साल और जो उनसे आर्म्ड ऑफिसर्स हैं जो उनसे रिटायर्ड हैं उनके लिए 50 साल है ये लिमिट। और आगे नेक्स्ट पोस्ट है सिविल नर्स खतून, इसका पे स्केल 16 है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और इसकी 2 पोस्टें हैं टोटल। और उसके बाद ये पे पैकेज है और इसके साथ आपका जनरल नर्सिंग में 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल आपका जैसे मिड वाइफरी है वो आईसीयू या गायन शोबे में काम करने का 2 साल तजर्बा होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। बीएससी नर्सिंग जो उनसे जिन्होंने बीएस नर्सिंग की हुई है उनको ज़्यादा तरजीह मिलेगी किसी भी नर्सिंग काउंसिल से। आगे नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर लाइब्रेरियन, इसका 15 पे स्केल है और एक पोस्ट है और मेरिट पे है, ओपन मेरिट पे। और एमए लाइब्रेरी आपने किया हो, एमए या बीए के साथ डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस का किया हो या किसी सरकारी अदारे से मशहूर फर्म में 5 साल तजर्बा आपका हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट और इसकी टोटल 14 पोस्टें हैं और 3 ओपन मेरिट पे हैं। इंटरमीडिएट आपने किया हो डी आई टी या उसके मुताबिक किसी भी डिग्री की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स का आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए इतनी तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल दफ्तरी कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में आपका तजर्बा हो तो आप इसमें 18 से लेकर 30 साल एज लिमिट है। चार्ज मैन इसका पे स्केल 13 है और इसकी 7 पोस्टें हैं और ये इन्होंने कोटा मुख्तस किया हुआ है, ये आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल आपने डी ए या कोई भी डिप्लोमा किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नायब सूबेदार या सूबेदार ई एम सी रिटायर्ड जिन्होंने मुतलका टेक्नोलॉजी में आर्मड आर्ट कोर्स पास किया तो ये आर्म्ड जो से लोग हैं वो भी रिटायर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जैसे सुपरवाइज़र, इसके लिए भी डी ए आपने किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइज़र टू हॉर्टिकल्चर है और इसके लिए भी आपने मैट्रिक किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आगे कैशियर है, इसका 13 पे स्केल है और 2 पोस्टें हैं और पंजाब की भी 2 हैं और इसके लिए आपने बी कॉम या बी ए बैचलर डिग्री कोई भी की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे है टैंक कमांडर, इसका 11 पे स्केल है, 3 पोस्टें हैं और आप ये मैट्रिक या जैसी जिन्होंने स्कूल ऑफ आर्मर से इंस्ट्रक्टर कोर्स आपने जो सा आर्म जो सा स्कूल होता है उससे इंस्ट्रक्टर कोर्स किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैट्रिक आपने पास किया तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आगे है
अपर डिवीज़न क्लर्क यूडीसी की पोस्ट है, और इसके लिए भी आपने इंटरमीडिएट किया हो या डीआईटी, कोई भी आपकी इंटरमीडिएट डिग्री हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लोअर डिवीज़न क्लर्क है एलडीसी, और ये इसके लिए भी इंटरमीडिएट आपने किया हो, और सुपरवाइज़र है इसके लिए आपने मैट्रिक साइंस के साथ किया हो, और ये है डाटा क्लर्क, और उसके बाद इंटरमीडिएट इसमें भी आपने किया हो, और आगे आता है मायलशी स्किल्ड, और इसके बाद आपने इसमें भी मैटर किया हो, और स्किल्ड है इसमें भी यूनसी है स्किल्ड, इसका 7 पे स्किल है, और इसके लिए भी आपने मैट्रिक साइंस के साथ किया हो तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आगे जैसे कि ये काफ़ी पोस्टें हैं, आपने अच्छी तरह से देख लेनी है, ड्राइवर की है, स्टोरमैन की है, क्रेन ऑपरेटर की है, और गोडाउन कीपर की है, गोडाउन कीपर, और ये ड्राफ्ट मैन की है, और उसके बाद ये आपने अच्छी तरह से देख लेना है, ये मिडिल की है, और ये भी मिडिल ड्राइवर की है, जिनसे AFV, ये भी मिडिल मांगे हैं इन्होंने, क्रेन ऑपरेटर के लिए भी मिडिल मांगा है, और स्टोर मैन के लिए मैटर का आपने किया हो तो गोडाउन कीपर के लिए भी मैटर को, और ड्राफ्ट मैन के लिए भी मैटर किया हो आप तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे सेमी स्किल 2 है, इसमें भी मैटर किया हो आपने, और फायर मैन है इसमें भी आपने मैटर किया हो, ड्रेसर है इसके लिए मिडिल चाहिए, खादम मस्जिद है आपको आपने हिफ्ज किया हो तो लोकल आपके वहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, आप लोग को कराम जी वगैरह पढ़ना होगा चाहिए, और आपको हिफ्ज लाजमी है, हिफ्ज किया हो तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आगे लेबर इन स्किल्ड मैनुअल है, और इसमें भी मिडिल चाहिए, और ये जोन सतह खादमी मस्जिद इसके लिए आपको प्राइमरी चाहिए सिर्फ, उसके बाद सिक्योरिटी वर्कर है इसके लिए भी मिडिल चाहिए, और सेंट्री वर्कर है इसके लिए भी आपको प्राइमरी चाहिए। उसके बाद रिकार्ड देने का तरीका, आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं आपने ये अच्छी तरह से देख लें, ये www.hit.gov.pk इस पर आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, और अपनी रोल नंबर के साथ तलीमी असनार, तो उसके साथ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने इसके डाउनलोड रोल नंबर स्लिप करनी है, स्लिप के साथ आपने जोन से ये जोन सी है तलीमी असनार, डोमिसल जोन सा डोमिसल की एक कॉपी लगानी है, जितनी भी आपकी डिग्रीज़ हैं, सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक, इंटरमीडियल, प्राइमरी, जो भी आपके पास है वो आपने साथ लगानी है, CNS की कॉपी लगानी है आपने एक अपनी, और उसके बाद हालिया एक पिक्चर लगानी है, और तजर्बा या डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो आपने उनकी एक एक कॉपी लगानी है, और उसके बाद आपने इस पते पर सेंड कर देनी है। जैसे कि ये पर्सनल ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टोरेट हैवी इंडस्ट्री टेक्सला कैंट पोस्ट कोड नंबर ये है 47070 पर आपने इधर सेंड करने हैं, रोल नंबर स्लिप के बगैर कोई दरख्वास्त नहीं की जाएगी, आपने अच्छी तरह से देख लें, और ये इंस्ट्रक्शंस हैं तो आपने अच्छी तरह से इसको देख लेना है, और इसको देखने के बाद जो उनसे सीरियल 1-3 और सीरियल 19 से लेकर 30 के टेस्ट इंटरव्यू सिर्फ टेक्सला में होंगे, ये इन्होंने सिटी बताए हैं कि कहाँ पर इंटरव्यू होंगे किन के, तो 1-3 और 19-30 लेकर जो उनसे वो है पोस्टें आपने ये नंबरिंग देख लेनी है इधर से उनकी, उनके टेस्ट टेक्सला में होंगे, लोकल असामी पर लोकल में इधर को जो उनसे उधर बिलोंग करेंगे लोकल लोग उसी सिटी के, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, और ये इसकी लास्ट डेट इसकी ये है 3 फरवरी इसकी लास्ट डेट है 2022 दरखास्तों की, इससे पहले पहले आप वहाँ पर भेज सकते हैं। ये एड्रेस था, और आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, आपने सिंपल तरीके से गूगल पर जाना है, गूगल पर आपने www.hit.gov.pk लिखना है तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट शो हो जाएगी, तो यहाँ पर आने के बाद इन्होंने यहाँ पर नीचे भी दिया होगा ये आ रहा है HR अपॉर्चुनिटीज और अप्लाई फॉर इंटर्नशिप डाउनलोड, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर फंड, तो आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपने देख लेना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म शो होगा, या आपने इंस्ट्रक्शन ये अच्छी तरह से दरखास्तों की वसूली की आखिरी तारीख 3 फरवरी, ये पहले भी मैंने बताया 3 लास्ट इसकी डेट है, तो आपने देख लेना है, ऐसे ही आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पर आप व्यू एडवर्टाइज कर सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा इनका, ये आपने अच्छी तरह से ये इनके 6 स्टेप हैं ये आपने मुकम्मल करने हैं, सबसे पहले इसका आपने पोस्ट का नाम लिखना है, कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, तो वो आपने सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने ट्रेड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है, तो वो सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना CNSE नंबर लिखना है, कंप्यूटर जोन सा है, और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना CNSE वाला नेम लिखना है, और अगर आप वहाँ पर मुलाजमत कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं तो नो ही रहने देना है, तो आप यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट करना